आउ एक इतिहास अपेक्षार भारत इतिहास रचिबा लक्ष्यरे भारतीय महिला हॉकी दल रानी रामपाल नेतृत्व में टोकियो ओलंपिक रे चमत्कार प्रदर्शन देखाई भारतीय महिला हॉकी टीम प्रति बाधा को पार कर देश को गौरवान्वित कर आज ग्रेट ब्रिटेन को हराइले ब्रोंज पदक जितने महिला हॉकी टीम प्रथम तीनटी मैच हार दृढ़ आत्मविश्वास सह खेली महिला टीम प्रथम मैच रे नेदरलैंड ठारु 5-1 द्वितीय रे जर्मनी ठारु 2-0 तृतीय मैच रे ग्रेट ब्रिटेन ठारु 4-1 गोल रे हारी थिला भारत हेले यहा परे जबरदस्त कमबैक करथिले भारतीय महिला दक्षिण आफ्रिका को 4-3 आयरलैंड को 2-0 और शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया को 1-0 गोल रे परास्त करथिले प्रथम थर पई सेमीफाइनल प्रवेश करी दम देखाई महिला हॉकी टीम तेरे ब्रोंज पदक लड़े पूर्व अधिनायक रानी रामपाल और कोच कथा होई टीम आत्मविश्वास बढ़ाई प्रधानमंत्री मोदी आज मैच जीतिले नुआ इतिहास रचिब भारत प्रथम थर पर ओलंपिक रे पदक हासिल करिवे महिला हॉकी टीम इस संपर्क में अधिक अपडेट पर सहित जोड़ी होती सुंदरगढ़ आम प्रतिनिधि सागर पटनायक सागर आज जिते महिला टीम मैदान को ओह्लाऊँच ग्रेट ब्रिटेन विपक्ष मैच खेल एवं जो भाई भाव में लगातार दमदार प्रदर्शन कर आसी महिला टीम पदक आशा निश्चित रूपे देश रखुच्छी तो कौन रोच प्रतिक्रिया आशा कौन रखुंत सुंदरगढ़वासी एवं जो खिलाड़ी जाती ओडिया खिलाड़ी जो रही परिवारवर्ग देखु शक्ति निश्चित भाव समस्त मन में गोटे ही कथा आम को हॉकी रे दुईटी मेडल मिलू एवं पुरुष हॉकी दल गत काली ब्रोंज मेडल हासिल करने महिला हॉकी दल आज ब्रोंज मेडल हासिल करू बोली समस्त मन में गोटे ही कथा रही तो आम सांगे अच्छा हॉकी कोच मिल्टन बिलुंग जो हॉकी प्लेयर मैंने सुंदरगढ़ रु जाती से शिक्षा देखते हॉकी बाबद आम सीधा साल पचार केमती रजर मैच कौन भावुंत टक्कर दे पार ब्रिटेन को निश्चित भाव में देखु ग्रेट ब्रिटेन डिफेंडिंग चैंपियन गत थर विगत दिन रु आम झील मैंने जमी खेल लगुच आज निश्चित भाव आम मेडल हासिल करवा कहीं आमर मोर विशेष ये प्रभाव मत लगुच नेहा गोयल नवनीत आउ शर्मिला एम जदि आग धाड़ी प्लेयर मैंने सुंदर भाव खेल डिफेन्स गोलकीपर आउ दीप ग्रेस जदि कम्बिनेशन भल निश्चित भाव में आम ये मैच को जितवा लगातार आम देखु दीप ग्रेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका रोचे से भल डिफेंड कर एवं विश्व स्तर में गोटे ना कर सारे 10 वर्ष है अंतर्जातीय स्तर रे भारत को से रिप्रेजेंट कर एशिया कप रे से गोल्ड पाई दीप ग्रेस माने ये को भूमिका को आपन आप देखुं आम मेन्स टीम रे जमी अमित रोहिदास को डिफेंड रे बैकबोन बोले जमी भावु इंडिया टीम वुमेन्स टीम रे भी सेमती कोच भी दीप ग्रेस को सबुठ अधिका भरोसा करुच्छे से केबे भी ताको सब्स्टिट्यूट करूना देखो तो सब बेले से पड़िया रोचे आ स्टामिना एत अच्छी आत भल भाव सब अटैक को से काउंटर करुँ टैकल कर पार तो निश्चित भाव में दीप ग्रेस आज परफॉर्मेंस टोटल टीम को टोटल टीम उपर डिपेंड करे से जदि डिफेन्स आज कमाल देखेब ताल निश्चित भाव में फॉरवर्ड पिला भी आउ टे एक्साइटमेंट बढ़ो आउ मनोबल अधिक बढ़ो आउ निश्चित भाव में भल खेल तो आज भारत पुणी एक ब्रोंज मिली आप आशा कर आज्ञा मुझे भावुची मोर पूरा विश्वास अच्छे आज आम ब्रोंज तो पाइबु मोर पूरा विश्वास अच्छे भारत रु जो सुंदरगढ़ रिप्रेजेंट कर हॉकी को समस्ते डिफेंड रे डिफेंडर भल हो या पचर कौन रहस्य रही मु बहुत थर स्टडी करी बहुत थर चिंता करे जे डिफेंस रे कहीं आम पिला माने फॉरवर्ड रे ते कहीं आसुना डिफेंस रे कहीं अधिका पिला आसुचंती मु निजे चिंता करे भावे निज निज को कहे जे नहीं आम पिला माने बहुत कूल से माने आग्रेसिव हुवंतिनी रागंतिनी जोथि पई कि से माने डिफेंस रे आमको सबबेले दरकार कूल माइंड रे खेलिया पई केते बेले भी जदि आग्रेसिव हेबे ताले केते बेले पेना पीसी बाहरी जीव
पेनाल्टी कॉर्नर या किसी भूल हो गुड़ाक आम पिला ना बहुत कूल माइंड खेलते से पीसी से दिखते जो कि आज आज हॉकी दुनिया रे पेनाल्टी कॉर्नरटा हूँ बहुत महत्वपूर्ण पेनाल्टी कॉर्नर मिलले जे कोनसी टीम गोल कर पाखापाखि 99% चांस थाए कि दिखते आमर सुंदरगढ़ पिला माने जो माने अछंती बहुत कूल माइंड रे खेलती आ पीसी को से माने सेव करती निश्चित भाव में सुंदरगढ़ प्लेयर मानक एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जहाँकि देखा मिलूजे उभय दीपग्रेस और अमित रोहिदास पेनाल्टी कॉर्नर समय सब बेले आगे रोचान फ्रंट रे से माने दौड़ी आसुच्चे अनेक समय रे देखा जे से माने इंजुरी मध्य होती तो याकु केमती देखुचंत सबुठ जिगर वाला प्लेयर कौन सुंदरगढ़ रु बाहर हाँ मु बहुत थर भी आगर भी पिला मान को पचारि से कहती जे सार आम को छाड़ी कहीं बाहर को चाहती पेनाल्टी कॉर्नर फास्ट रसर हिसाब से कहीं बाहर को चाहती तमें से जिगर तक बहुत अच्छी आम आदिवासी मान पिला सुंदरगढ़िया पिला यहाँ गोटे अच्छी जे से खातिर करती आमको टीम को बचार अच्छी पचे जीवन जाऊ किंतु टीम टा बचु तो टीम पाई लड़ाई करिवारे ओडिया खेलाड़ी माने बाहिर अमित रोहिदास प्रमाणित करिसंती एवं दिव्यगेश एका मध्य आज मैच प्रमाणित निश्चित भाव में करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सागर सागर पटनायक आम प्रतिनिधि वरिष्ठ हॉकी कोच मिल्टन विलिंग सहित कथा होते प्रतिक्रिया नौले समस्ते आशावादी समस्ते उत्साहित आज मैच को लेकिन मैच आरंभ हो सारी आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ क्रीड़ा समीक्षक समित महापात्र सीत महापात्र आपको स्वागत काली ब्रोंज जीतिला पुरुष टीम आज महिला भी जितबे सीत महापात्र सीत समित महापात्र शुणी पार ओके प्रतिनिधि सुशांत साहू मध्य जोड़ी होती सुशांत आज महिला टीम रो पाली प्रथम थर पर इतिहास रचिबा लक्ष्य रे पड़िया को ओल्ल महिला टीम कहते प्रथम थर पर इतिहास रचिबा पूर्व मध्य आपण देखिथिबे महिला टीम भारतीय महिला हॉकी टीम मध्य इतिहास रचि सारी प्रथम थर पर ओलंपिक भली गोटे मेगा इवेंट रो सेमीफाइनल प्रवेश कर पारि तेणु आज जदि ब्रोंज पदक जितुची तेरे गोटे बड़ अचीवमेंट हम अन्य पक्षे आपतु जहा सहित मुकबिला अच्छी ग्रेट ब्रिटेन सहित ग्रेट ब्रिटेन हूँ पूर्व ओलंपिक अर्थात रियो ओलंपिक रोच स्वर्ण पदक विजेता दल निहत कह गले वर्ल्ड रैंकिंग रे जदि देखिए आप ग्रेट ब्रिटेन इंडिया टू भल रैंकिंग रे अच्छी एवं ग्रुप स्टेज रे मध्य भारत को 4-1 रे हराई ग्रेट ब्रिटेन तेणु यही दृष्टि देखिले भारतीय अपेक्षा ग्रेट ब्रिटेन टिके मैच रे पल्ला भारी रही पारे किंतु अन्य पक्षे आपण देखिबे तीनो तीनो टी मैच हारिबा परे भारतीय महिला दल कोबळे पे कमबैक करथिला एवं तापरे क्वार्टर फाइनाल रे शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया जे कि तीन तीन थर ओलंपिक रे स्वर्ण पदक विजेता दल ऑस्ट्रेलिया को हराई जो भाई भाव सेमिफाइनाल प्रवेश करता यही थ्रु आप देखी पारे भारतीय खेला मनोबल बहुत ऊर्धर रही आज भल प्रदर्शन आशा करने गोल रक्षक जी रही भारतीय महिला दल सविता पुनिया आपण देखिथे पुरुष हॉकी दल गोल रक्षक जे श्रीजेश जी भूमिका रही था मानने गोल बचाई था सविता पुनिया से सफल तेणु यही दृष्टि देखा गले भूमिका बहुत रही सुशांत मो फेर भी आपको समित महापात्र वरिष्ठ क्रीड़ा समीक्षक आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन सीत महापात्र आपको स्वागत गत काली पुरुष टीम 41 वर्ष पर जो भाई भाव में इतिहास रचिला और महिला टीम प्रथम थर पर इतिहास रचिब आपके दूर आशावादी कारण सामने अच्छी डिफेंडिंग चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन एवं ग्रुप मैच आमको हर सारी निहाती भाव शक्ति जदि कह इतिहास रचना करार कथा निहाती भाव आम पाखे रही आम कर गोटे ओलंपिक रु क्रीड़ा महाकुंभ रु पुरुष और महिला दल पदक जिसकी आसवा ये मो जीवदशारे बा मो क्रीड़ा सांबादिकता जीवन भितर मुझे देखी पारि के कल्पना करी से जो स्थिति उत्पन्न होते अनुमान करतु खुशी केते आनंद केते किंतु हाँ निहाती भाव रियो ठारे जी स्वर्ण पदक जीति ग्रेट ब्रिटेन जे कि
ଅଲିମ୍ପିକ ରେ ନିୟମିତ ଖେଳିବାର ଯାହାଙ୍କର ରହିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେଭଳି ଏକ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଯୋଉଠି ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ, ଆମେ ଥିଲୁ 12ତମ ସ୍ଥାନରେ। 12 12ଟି ଦଳ ଖେଳିଥିଲେ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ, 1ରେ ଥିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ, 12ରେ ଥିଲା ଭାରତ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରେଇ ସାରିଛି ଏକ ଅପମାନଜନକ ଢଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଏକ ଦଳ ସହିତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିବା, ଲଢେଇ କରିବା, ସେ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କହିବି ଯେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଦଳ। ୟା ପରଠାରୁ ଯାହା ହବ ସବୁ ହବ ପ୍ଲସ୍, ସବୁ ହବ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବାର କଥା। ତେଣୁ ଏଠି ହରେଇବାର କିଛି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଣୀ ରାମପାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ହରେଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା, 80 ପରେ 36 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା ଦଳକୁ ଅଲିମ୍ପିକ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ ବା ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଖେଳିକରି ପ୍ରଥମ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ହାରିବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଜିତିବେ, ତା ସହିତ ପୁଣି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳିଆ ଦଳକୁ ଆପଣ ହରେଇବେ, ଆପଣ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ପରାଜିତ ହେଲା ପରେ, ଟକ୍କର ଦେଇକି ପରାଜିତ ହେଲା ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହିତ ଆପଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଇତିହାସ ହେଇସାରିଛି ରାଣୀ ରାମପାଲଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସର କଥା, ଯେହେତୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ କରିସାରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେମିତି ଏକ ସମାନ ଧରଣର ଏକ ମାହୋଲ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ରାମପାଲଙ୍କ ଦଳ କରିପାରେ। ବଢିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଟକ୍କର ବଢିଆ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଲ ଆମେ ଖାଇନାହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟେନ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କର ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଡି ଆଡକୁ, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହେଇଛି, କୌଣସି ଚାପରେ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ଆମକୁ ହରେଇଥିଲା ପୁଲ୍ରେ, ଆମେ ପଛରେ ପଡିଥିଲୁ, ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ଜିତିବାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ନକଆଉଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ କିଛି ଭାବନା ନାହିଁ, ଏକଦମ ଖୋଲା ମନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କହି ହବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚାପରେ ଆସିକି ବା ମେଡାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଦେଖିଲୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ କରି ନେଉଛି, ଯଦି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଚାପରେ ବ୍ରିଟେନ ଆସିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ବିନା ଗୋଲ୍ରେ ଯଦି ସାରିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ରିଟେନ ପାଇଁ ଚାପ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ଏପଟେ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ରିଟେନ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଡି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସବିତା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଜେସ ପୁରୁଷ ଦଳ ପାଇଁ ଯାହା ସବିତା ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ ଏକା କାମ ପୁରା ଡିଫେନ୍ସକୁ ଡାକିକିରି ଖେଳେଇବା, ମାର୍କ କରେଇବା ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ଲେୟାର ଟୁ ପ୍ଲେୟାର ମାର୍କ କରିବା କଥା ସବିତା କହିକି ସାଥିମାନଙ୍କୁ ସଚେତ କରେଇବା, ସତର୍କ କରେଇବା, ସେ କାମ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ କୁ ଗୋଟେ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ତ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ଯୋଉ ଆଟାକ୍ ଥିଲା ବ୍ରିଟେନର ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ସେ ସବିତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ପାର କରିଯାଇଛେ, ଆମର କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସବିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଆମେ ଆଶା କରିବା, ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଶକ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଖୁସିର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା, ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚନାର କଥା ହୁଏତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁତ ମହାପାତ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇତିହାସ ଆମେ ଆଶା କରିବା ହବ, ଏବଂ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ସମିତ ମହାପାତ୍ର, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଇତିହାସ ରଚି ସାରିଛି ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ତ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିବା। ଟୋକିଓରେ ଭାରତର ଟେକ ରଖିସାରିଛି ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍, 4 ଦଶନ୍ଧିର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜର୍ମାନୀକୁ 5-4 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ହକିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। 1980 ପରେ ଏ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ, ଆଉ ଏ ବିଜୟ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ଆଗାମୀ 16ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।